गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अभी टाइम हुआ है 9:34, 9:35 और मैं बड़े ही ध्यान से ट्रेंड वॉच कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का। और देखिए, तीन बेरिश कैंडल बनाने के बाद अब इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है और अब इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है। तो अभी ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर ट्रेंड क्या बनता है, तब हम ट्रेड लेंगे। और देखिए, ये हमने अभी कोई ऑर्डर नहीं लिया है, ना ही मेरी पोजीशन है, तो जैसा भी होता है मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हैं करियर्स एंड मनी चैनल पर, जहाँ पर हमें आपके करियर की और आपकी मनी की ग्रोथ की परवाह होती है। मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है, हम एक दो मिनट में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो हम एंटर कर जाएंगे। देखिए, ये सारी गेम जो है उसमें पेशेंस की इम्पॉर्टेंस है, उसमें प्रॉपर ट्रेड के रूल्स को फॉलो करने की इम्पॉर्टेंस है, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकेंगे। तो ट्रेडर्स, हमने ट्रेड ले लिया है, हमने एंटर कर लिया है, ये दो कॉल्स लिए हैं एज यूजुअल हेज करके, अभी तो लॉस में चल रहे हैं। 42,600 की हमने कॉल ली है, तीन कॉल्स ली हैं और ये प्राइस है 263 और अभी चल रहा है 271, और उसकी हेजिंग के लिए हमने कॉल ली है 43,800, तीन सेट लिए हैं और उसका प्राइस 25.75 और प्राइस चल रहा है 26 के आसपास। चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा अभी ग्रीन कैंडल बना रही है तभी हमें लॉस दिखाई दे रहा है, शायद इसे इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रही है। ट्रेड लिया है हमने 42,373 के लेवल पर, जो उस लेवल पर अभी ये है, तो लीजिए ये प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा अभी चलते रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर तो ऊपर नीचे रहेगा जब तक कि एक डेफिनेट ट्रेंड नहीं बना लेता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे अभी ऐसा ही चल रहा है, जब तक कि ये 20-25 पॉइंट्स नीचे नहीं आ जाता है जिस लेवल पे हमने ट्रेड लिया है, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। मैं समझता हूँ थोड़ी देर तो सस्पेंस बना रहेगा क्योंकि अभी मोमेंटम बहुत तेज नहीं है, आप देख रहे हैं ना। हमारा प्रॉफिट भी इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि कमी हुई है हमारे प्रॉफिट में। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, प्रॉफिट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अभी भी इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये लेवल मैं कहूँगा है 42,306 का, पर देखते हैं शायद इसको ब्रीच कर जाएगा आज का प्राइस। नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का खतरा बन गया है। क्या यह ग्रीन कैंडल रिवर्सल का संकेत है या प्रॉफिट बुकिंग का? बस अगले 3-4 मिनट में हमें इसका भी पता लग जाएगा। तो ऐसा मालूम लगता है कि सेलर्स हावी हो रहे हैं और प्राइस हमारा अभी चल रहा है 42,335 के आसपास, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अप एंड डाउन इसी कैंडल में देखने को हमें मिल रहा है। मेरे ख्याल में अगले 5 मिनट में हमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या रिवर्सल होगा या ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बहुत शानदार, हमारा प्राइस भी नीचे गिरता ही जा रहा है, 42,300 के आसपास हो गया है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मेरे ख्याल में हमेशा की तरह मैं एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा यहाँ पर। काफी फास्ट अप एंड डाउन हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए, यहां पर कंसोलिडेशन हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कैंडल और ये कैंडल, तो यहां पर कंसोलिडेशन हो रही है, बायर्स बाय कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कैंडल ग्रीन हो गई है, प्राइस रिट्रेस हो रहा है।
तो सिचुएशन को देखते हुए मैंने 25 क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया है। सिचुएशन काफ़ी डाइसी लग रही है और इसी तरह से यहाँ से भी मैं लेग से भी 25 क्वांटिटी पे एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये हमने पहला एग्जिट बनाया -0.68 के ऊपर 42,317, जो कि कोई 60 पॉइंट्स नीचे है। अभी और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये ऑर्डर तो कैंसिल हो गया। 263 पर सेल करके 247 पे हमने इसको बाय किया और 25.75 पे हमने बाय करके 23.65 पे इसको हमने सेल किया। देखते हैं आगे क्या होता है। पोजीशन वैसी ही बनी हुई है, बल्कि थोड़ी ख़राब ही हो गई है, ये ग्रीन कैंडल्स जो बन रही हैं, और इसका डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा थम सा गया है। कोई बात नहीं, हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं और थोड़ा इंतज़ार करने की हम ताकत रखते हैं। बहुत मामूली सी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अभी भी जो साइडवेज मार्केट है उसने अभी भी एक मूवमेंट नहीं पकड़ी है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल और ये पांचवी कैंडल बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट है। बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और जब ब्रेकआउट आएगा तो एकदम धमाके की तरह आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में हमारी कोई खास फर्क नहीं आया है, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। ये तो बहुत भयंकर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और हमारे प्रॉफिट को खा रहा है। मेरे ख्याल में एग्जिट करना ही उचित होगा। अब फिर इंटरेस्टिंग चीज़, ये नीचे की तरफ आ रहा है, रिवर्स हैमर बनाकर अभी -0.71 चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं -0.72। हमने ट्रेड लिया था -0.55 पर और तब लेवल था निफ्टी का 42,373, अभी है 42,2986। लगभग 80-90 पॉइंट हमें गेन करने को मिल गए हैं और इधर प्राइस में गिरावट आई है हमारे कॉल में, जो कि हमारे फायदे में रहती है और हमारा प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो गया है। 220 के आसपास चल रहा है, 263 की हमारी परचेज है और आपको पता है कि एक लॉट मैं पहले ही एग्जिट कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छा अब इसने ब्रेक डाउन दिया है। प्राइस हमारा 221-225 के बीच में प्ले कर रहा है। यह है कॉल का प्राइस और ये कॉल है 42,600 CE, जिसको बोलते हैं, और प्रॉफिट चल रहा है 2000 प्लस के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर एक कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है जो कि हैमर की शेप में है। ये काफ़ी हद तक बताती है कि अब ट्रेंड रिवर्सल है, पर हैमर पहले कंप्लीट हो जाए, अभी ये कंप्लीट नहीं है। फिर भी देखिए, हमें प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रही है। क्या ये एग्जिट करने का टाइम आ गया है? जी हाँ, मुझे लग रहा है एग्जिट करने का टाइम आ गया है। और लीजिए, ये हमने एग्जिट कर लिया है ट्रेडर्स, -0.82 के ऊपर, और जब प्राइस है 42,257 के आसपास। और ये देखिए, हमारा एग्जिट हुआ है 223 पे, विच इज़ नॉट बैड, 223.83 पे। और दूसरा हमने जो हेजिंग लेज एग्जिट करी है 20.90 पे, और ये हमने एग्जिट करा है 10.39 पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का टोटल हमारा टाइम जो टर्मिनल पे स्पेंड हुआ वो था 39 मिनट्स। 10 बजे हमने ट्रेड लिया, और वैसे टर्मिनल पे तो हम लोग 9:15 बजे भी आ जाते हैं, पर जो ट्रेड में टाइम स्पेंड हुआ वो लगभग 40 मिनट, और पोजीशन रही हमारी 2000 प्लस में 2078.75। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आपको याद दिला दूं कि आपको सब्सक्राइब करना है, आपको इसको लाइक करना है, आपको इसको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।